Delicious in Dungeon, a scene in fantasy gourmet anime. Well, gourmet anime का मतलब एक ऐसा इंसान जिसे खाने और कुकिंग के बारे में बहुत नॉलेज हो। वेल, गोरमेट एक अंडररेटेड जॉनरा है जिसे लोग देखना कम प्रेफर करते हैं, बिकॉज क्या करें, लोगों को जॉनरा स्विच करना अच्छा ही नहीं लगता। भले ही 150-200 सोनेन एक्शन एडवेंचर देख लिए होंगे, फिर भी वो आपसे पूछेंगे, भाई एओटी जैसा कुछ रिकमेंड करना, भाई जुजुत्सु कैसन जैसा कुछ रिकमेंड करना। मतलब कि उन्हें उसी टाइप का कंटेंट डाइजेस्ट करना है। अगर मान लो आप उन्हें कह दोगे भाई स्टाइन्स गेट, फ्यूचर डायरी जैसा कुछ देख ले, देन दे विल बी लाइक, दो एपिसोड्स देखे ब्रो, मज़ा नहीं आ रहा है, वो फीलिंग नहीं है ब्रो। डीमन स्लेयर जैसा कुछ बताना जिसमें एनिमेशन बवाल हो, आंखों में भाई प्लेजेंट आपको लगे, आंखों में भाई चमक आ जाए। स्टोरी स्टोरी उतना मतलब नहीं है ब्रो, स्टोरी मिड होगा तो भी चल जाएगा ब्रो। बट हाँ, एनिमे का पेसिंग स्लो नहीं होना चाहिए, वरना मेरा मूड ऑफ हो जाएगा अगर उसका पेसिंग जो है वो स्लो होगा। चलो, अगर वैसा कोई एनिमे है तो रेकमेंड कर दो, वरना मैं थोड़ा सा यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में टॉक्सिसिटी फैला के आता हूँ कि JJK इज द बेस्ट एनिमे, और जो नहीं मानेगा वो है वन पीस का। समझ गया ना गाइज आप? वेल, ये है इंडियन ऑडियंस की आम जिंदगी। तो आपको लगता है कि डिलीशियस इन डंजन के ऊपर ज्यादा बातें होंगी? आई डोंट थिंक सो। लोग 2-3 एपिसोड देखेंगे और फिर कहेंगे यार काफी स्लो एनिमे है भाई, बहुत ही एपिसोडिक लग रहा है, चलो इसको मैं ड्रॉप करता हूँ। अरे भाई, सोलो लेवलिंग, माय गुडनेस, क्या ही बवाल एनिमे है भाई, क्या एनिमेशन है भाई, क्या इंटेंसिटी है ब्रो। अगर ऐसा कोई एनिमे ना तो रिकमेंड करना ब्रो, वरना ये साइन ऑफ अफेक्शन, लूप 7, क्या है ये सब। वही अगर मैच्योर ऑडियंस या फिर थोड़ी अच्छी ऑडियंस हो, दे विल बी लाइक ब्रो विंटर सीजन काफी अच्छा आया है, आयाना कोजी इज बैक, मैसले का सेकेंड सीजन आ गया है, ब्लू एग्जॉर्सिस्ट इतने सालों बाद, उसके बाद चेन सोल्जर इज डेफिनेटली फॉर मैन ऑफ कल्चर, इस राय काफी इंटरेस्टिंग एनिमे लग रहा है, मैं इसे पक्का अपने वॉच लिस्ट में रखूंगा। इस टाइप की ऑडियंस आपको देखने को मिलेगी। वो ये भी कहेंगे कि भाई ये कौन बच्चे हैं जो सोलो लेवलिंग के नाम पे टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं, कुछ काम काज नहीं है तुम लोगों का, हर कमेंट में वन पीस, बोरूटो, JJK, कुछ और एनिमेस देखते हो कि नहीं, इतना टाइम मिला है कमेंट में डिबेट करने का, उससे अच्छा भाई एग्जाम के लिए पढ़ वढ़ लो, कुछ एग्जाम एग्जाम क्रैक हो जाएगा, बच्चों की तरह कमेंट में लड़ते रहते हैं घंटे घंटे भर। ये है इंडियन ऑडियंस की मेंटोस जिंदगी। तो अब हम बात करते हैं डेलिशियस इन डंजन की। वेल, ये एनमे काफी क्रिएटिव है और एपिसोडिक फॉर्मूला को यूज करती है, जिस वजह से पेसिंग आपको स्लो लग सकती है, बट ओवरऑल ये काफी अच्छा गोरमेट एनमे निकल कर आता है, जिसमें आपको अलग अलग प्रकार के टेस्टी खाने देखने को मिलेंगे। उसी के साथ हर एपिसोड में हमारे मेन कैरेक्टर्स किसी भी रैंडम मॉन्स्टर्स को अपना खाना बना लेते हैं, और जो सिचुएशनल कॉमेडी उस वजह से क्रिएट होती है वो बहुत अच्छा फिट करती है इस एनमे के साथ। वेल, धीरे धीरे ये एनमे अपने स्टेक्स भी बढ़ाती है, बट फिर भी माहौल हैप्पी हैप्पी काइंड ऑफ ही रहती है। बट इसी बीच आपको टॉप क्लास वर्ल्ड बिल्डिंग भी देखने को मिलेगी, बट जो इसकी सबसे अच्छी चीज़ है वो है इसके कैरेक्टर्स, जो काफ़ी रियलिस्टिक फील होते हैं, जो कि होना भी चाहिए एज इट इज़ अ सेनिन एनमे, और उनके बीच का इंटरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है। उसी के साथ काफ़ी दफ़ा साइड कैरेक्टर्स भी आपको उनके साथ देखने को मिलेंगे, बट मेजरली हमारे चार कैरेक्टर्स के जर्नी पर ही ज़्यादा फोकस रहता है। एनिमेशन स्टूडियो है ट्रिगर, जिन्होंने इससे पहले साइबर पंक, डार्लिंग इन द फ्रैंक्स, किल ला किल जैसे एनिमेस को एनिमेट कर रखा है, तो एनिमेशन क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। वहीं बात करें म्यूज़िक की, तो मुझे पर्सनली इसका एंडिंग सॉन्ग ज़्यादा पसंद आया कम्पेयर टू द ओपनिंग सॉन्ग, और ओवरऑल भी म्यूज़िक काफ़ी अच्छा है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके प्लॉट की। कहानी रिवॉल्व करती है लायोस के एडवेंचरर पार्टी के ऊपर, जिनका इनकाउंटर एक रेड ड्रैगन से होता है वाइल एक्सप्लोरिंग द डंजन। तो लायोस की बहन बड़ी मुश्किल से अपना मैजिक यूज करके उन्हें डंजन के बाहर टेलीपोर्ट कर देती है, जिससे कि उनकी जान बच सके, पर इसी बीच वो खुद ड्रैगन के द्वारा निगल ली जाती है। तो लायोस ये डिसाइड करता है कि वो वापस डंजन में जाएगा और अपनी बहन को बचाकर लाएगा, साथ ही खाने का सामान वो बाहर से ना खरीद कर वही डंजन से कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाएंगे।
तो क्या लायोस अपनी बहन को बचा पाएगा और डंजन में क्या क्या उसे खाने को मिलेंगे, जानने के लिए देखिए डंजन मेस्सी। इसके एपिसोड काफ़ी लंबे हैं, 26-27 मिनट के, तो वन एपिसोड पर डे काफ़ी रहेगा देखने के लिए। बट जाने से पहले दो और रिकमेंडेशन, द विच एंड द बीस्ट और डॉक्टर एली से। अब आते हैं ओवरऑल रिव्यू पर। नूब्स के लिए वन टाइम वॉच, जनरल ऑडियंस के लिए इंटरेस्टिंग, प्रो ऑडियंस के लिए एक्सीलेंट, रिव्यूअर्स के लिए सरप्राइजिंग और मेरी तरफ से फर्स्ट क्लास। तो अब आते हैं सरप्राइज पैकेट पर और आज हम पहली बार बात करेंगे एक मांगा के ऊपर। उस मांगा का नाम है उसोगुई। तो आज हम उसके पहले चैप्टर की बात करेंगे जिसमें होता क्या है, कुछ लोन सार्क्स पैसे मांगने आते हैं काजी से, बट बाकू एक्टिंग के द्वारा उसे बचा लेता है। बट लोन सार्क्स का मामला उतना इजी नहीं होता बिकॉज वो कहीं ना कहीं से तुम्हारे से पैसे निकलवा लेंगे, तुम्हारे घर में जाएंगे, तुम्हारे पप्पा से पूछेंगे, तुम्हारी बहन से पूछेंगे, मतलब कि वो कहीं से तो पैसे निकाल कर ही रहेंगे। तो इसीलिए हमारे मेन कैरेक्टर्स एक अंडरग्राउंड कैसीनो जाते हैं पैसे कमाने के लिए और बाकू एक रोलेट गेम को ऑब्जर्व कर रहा होता है। और उसके बाद जब उसकी बारी होती है खेलने का, तो भाई क्या ही मैनिपुलेट करता है वो डीलर को, जिससे कि वो बहुत पैसे कमाते हैं। और जब डीलर को उसका नाम पता चलता है कि इसका नाम है बाकू, तो वो शौक में रह जाता है। गाइज आपको ये मांगा ज़रूर पढ़नी चाहिए, काफ़ी मस्त मांगा है, गैम्बलिंग के ऊपर है और इंडिया में तो गाइज काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है। एंड इसके जो लास्ट के चार आर्क्स हैं, यू कैन कंपेयर इट विथ एनी बिग सेनिन एनिमे, दोस फोर आर्क्स आर लिटरली पीक। भाई एसटीएल का अलग ही हाइप है ब्रो, आप जब वहाँ तक पहुँचोगे ना गाइज आपको अलग ही प्रकार की खुशी मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, बात करते हैं उसोगुई के ऊपर। तो अब हम बात करेंगे वन पीस एग हेड आर्क के बारे में। एंड आई थिंक सो द लास्ट एपिसोड वाज एपिसोड 1089। तो सबसे पहले हमें क्रॉस गिल्ड देखने को मिला, उसी के साथ स्ट्रॉ हेड्स की न्यू बाउंटीज भी हमें देखने को मिली, फिर सेराफीम वर्सेस ब्लैक बियर्ड हुआ, उसके बाद हैनकॉक वर्सेस नेवी एंड ब्लैक बियर्ड पायरेट्स हुआ। मतलब कि चार ही एपिसोड अभी आए हैं और माहौल पूरा गर्म हो चुका है। एपिसोड 1088 में रेली अपना हॉकी दिखाता है और लूफी अपने ड्रीम के बारे में अपने क्रूमेट्स को बताता है। वेल, मैं ये सोच रहा था क्या कारिबू ने भी उसका ड्रीम सुन लिया है, बिकॉज लूफी जब मरीजुआ जाने की बात कर रहा था तो कारिबू को वो अच्छे से सुनाई दे रहा था इन दी बैरल। वेल, मांगा तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, वापस से भयंकर भयंकर फाइट चालू होने वाला है बिकॉज कुमा इज बैक और लूफी को कोई खाना दे के चला गया है। देखते हैं किसने खाना दिया, सब वहाँ पे अजम्पशंस लगा रहे हैं, भाई कीजरू ने दिया, भाई कारिबू ने दिया, भाई रॉबिन ने दिया। देखते हैं अगले चैप्टर में क्या होता है। तो उसी के साथ बात कर लेते थोड़ी बहुत एपिसोड 1089 की, जिसमें हमें थोड़ा डिफरेंट एनिमेशन देखने को मिला। बहुत सालों बाद जाके हमें बॉनी देखने को मिली, बट द इंट्रोडक्शन ऑफ ईमू वॉज क्वाइट एपिक, भाई लुलुशिया को ख़त्म ही कर दिया। वेल, आगे देखते हैं किस प्रकार से एनिमेशन प्रोग्रेस करता है। और यही था हमारा आज का सरप्राइज पैकेट, होप सो कि आपको पसंद आए और आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।